थैंक यू वंस अगेन, शुक्राना आपका बहुत बहुत लख लख शुक्राना, रोम रोम से गुरुजी का शुक्राना कि गुरुजी ने फिर आज ये मौका दिया कि गुरुजी अपने गुणगान हम संगत से करवाएं, हम बैठ के गुरुजी के गुणगान करें, गुरुजी को याद करें, गुरुजी को प्यार से गुरुजी की महिमा के दो चार लफ्ज बोल पाएँ। बस ये बहुत बहुत बड़ी बख्शीश है जो गुरुजी ने हम पर की है, इसलिए गुरुजी का उसके लिए बहुत बहुत लख लख शुक्राना है। सो थैंक यू संगत जी फॉर जॉइनिंग, एंड गुरुजी ही बुलवाएंगे जो बुलवाना है, गुरुजी की आज्ञा के साथ ही हो सकता है ये सत्संग। मुझे कभी भी आइडिया नहीं रहता, क्योंकि मैं कुछ जब मैं पहले कर सत्संग करती थी सोचती कुछ और थी, होता कुछ और था, इसलिए गुरुजी ही करवाते हैं ये सत्संग। ये तो बिल्कुल तय है, और जो बुलवाएंगे गुरुजी ही बुलवाएं, और वही हो जो गुरुजी चाहते हैं, और वही उन्हीं संगत तक पहुँचे जो गुरुजी पहुँचवाना चाहते हैं। सो संगत जी, गुरुजी से जुड़कर मुझे अराउंड मतलब जब से होश संभाली है इस जन्म में, जब तक मुझे पता है कि फिज़िकल कनेक्शन कब से हुआ है, दैट इज़ अबाउट सेवन टू एट ईयर्स अभी होने वाले हैं, तो गुरुजी ने जोड़ा है अपने साथ। लेकिन वैसे तो कई जन्मों से गुरुजी जुड़े होंगे, और जैसे ये शब्द चल रहा था अभी कि लख 84, तो लख 84 में एक जोनी मिलती है ह्यूमन बीइंग की, और अगर हम वो लकी ह्यूमन बीइंग्स हैं जिन्हें 84 लाख योनियां गुजार के फिर एक योनी मिली है ह्यूमन बीइंग्स की, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की योनी इसीलिए मिलती है कि हम सबको अपॉर्चुनिटी मिले एक लाहा कमाने का, एक प्रॉफिट कमाने का, तो वो अपॉर्चुनिटी जो मिलती है उसमें भी हम लोग भटक जाते हैं, क्योंकि हमें सही तरीका नहीं पता होता कि ये पर्पज़ क्या है हमारी ज़िंदगी का, और हमें करना क्या है ज़िंदगी में, नंबर वन। नंबर टू, किसी को पता भी हो कि हमें क्या करना होता है ज़िंदगी में, भगवान का नाम लेके भगवान के पास को पहुंचने की कोशिश करनी है, लेकिन हमारे पास कोई गाइडिंग लाइट नहीं होती, गाइडिंग फैक्टर नहीं होता, कोई गाइडिंग मास्टर नहीं होता कि हम वो, हमें पता तो है कि डेस्टिनेशन क्या है लेकिन रास्ता तय कैसे करें वो भी हमको नहीं आता। तो सोचिए हम कितने कितने लकी हैं, एक तो हमें ह्यूमन बीइंग की जॉनी मिली, फिर उसके बाद हमें एक इतना महान गुरु मिला, कोई इंसानी गुरु नहीं मिला, हमें बहुत ही महान भगवान रूपी गुरु मिला है, हमारे गुरुजी हैं जो हमारी ज़िंदगी की डोर अपने हाथों में लिए हमें गाइड कर रहे हैं। तो हम बहुत लकी हैं संगत जी, अगर हम कभी अपने आप को ऐसा समझें ना कि हम लकी नहीं हैं, या हम उसके जितना लकी नहीं हैं, या हम हमारे पास उसके जितना ये नहीं है वो नहीं है, जो हम रोते रहते हैं कंप्लेन करते रहते हैं, वो सब नॉइज़ जो है ना, जो सारी जो एक शोर मचा होता है हमारे इस कलयुग में हमारे आसपास, वो सब मिटा के हमें सिर्फ़ एक चीज़ याद करनी है, और वो ये याद रखनी है कि हमें गुरुजी मिले हैं। सो वी हैव गॉट द अल्टीमेट थिंग, हमें इससे ज़्यादा बड़ा और कुछ मिल ही नहीं सकता, क्योंकि गुरुजी मिल गए, गुरुजी के चरण में शरण में अगर हम रह रहे हैं, ये वाली जो योनी मिली है, ये जो ज़िंदगी मिली है, अगर हम वहीं गुजार रहे हैं तो हम लोग की ज़िंदगी कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकती, ये विश्वास हमें आ ही जाएगा अगर हम गुरुजी से रियली कनेक्टेड हैं। तो ये विश्वास उन्हें दिलाना पड़ता है जो गुरुजी से अभी कनेक्टेड नहीं है, या सोच रहे हैं कि क्या हमें कुछ प्रॉफिट मिलेगा, क्या हमें लाभ होगा, क्या हमें लाहा मिलेगा इस गुरु से जुड़कर, इतनी सारी संगत क्यों जुड़ी है, क्या लाभ होता है, तो उनको समझाना पड़ सकता है। लेकिन जो गुरुजी से कनेक्टेड हैं उनको नहीं समझाना पड़ेगा ये बात, चाहे उनकी ज़िंदगी में वेल्थ हो या ना हो, पावर हो या ना हो, चीज़ों की कमी क्यों ना हो, पैसों की कमी थोड़ी बहुत इधर उधर क्यों ना हो, लेकिन जो असली चीज़ है, जो असली वेल्थ है, जो असली सोना चांदी है, वो उन्हें समझ में आता है जो गुरुजी से जुड़े हैं कि उन्हें मिल चुका है, ऑलरेडी मिल चुका है उन्हें,
उन्हें अभी मिलने और मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं है। वो जो छोटे छोटे खिलौने हैं इस ज़िंदगी को गुजारने के लिए जो हमें चाहिए होते हैं, हमें पैसा चाहिए, हमें घर चाहिए होता है, हमें गाड़ी चाहिए होती है, वो तो हमारे हमारे कर्मों का ऑफकोर्स लिखा जोखा जोखा तो है ही, लेकिन गुरुजी हमें वैसे ही दे देते हैं, आज नहीं तो कल, और अगर हमारे लिए ठीक है तो दे देंगे, अगर हमारे लिए ठीक नहीं है तो और भी अच्छा है, अगर हमें नहीं मिले तो। तो ये सारा हमें समझ में नहीं आता ना, क्योंकि हम एक बस घोड़े की तरह सिर्फ सीधा देखते हैं, हमें हमारे पास घर नहीं है तो हम घर मांगना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि शायद गुरु की इच्छा नहीं है अभी घर देने की, क्योंकि घर मिलना हो सकता है दूसरी चीज़ों का नष्ट करना हो। तो वो जो हमें जो इक्वेशन है, फॉर्मूला है, वो हमारे समझ के बहुत 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 दूर है संगत जी, इसलिए हमें मांगना नहीं चाहिए। हमें गुरु मिल चुका है, हमें वेल्थ, हमें जो भी चाहिए मिल चुका है, बस हमें एक चीज़ अपने अंदर लानी है, गुरु जी की बख्शीश से वो चीज़ भी हमारे अंदर आज आ जाएगी, और वो है एक पेशेंस, पेशेंस कि अगर मिलना है तो गुरु जी दे देंगे, अगर नहीं मिलना तो और भी अच्छी बात है कि हमारे घर में वो चीज़ ना आए, क्योंकि हमें और चीज़ें नष्ट नहीं करनी वो एक चीज़ पाने के लिए। तो वो हमारा गुरु देख लेता है, हमारा गुरु हमें संभाल रहा है, हर वक्त संभाल रहा है, हर सांस संभाल रहा है, इसलिए हर सांस में हम गुरुजी के आभारी हैं, हमें हर सांस में गुरुजी का एक शुक्राना करना है, हर सांस में। बहुत ज़्यादा लग सकता है फॉर दोज हु हैव कनेक्टेड न्यूली टू गुरुजी, लेकिन जो गुरुजी से ऑलरेडी कनेक्टेड है उनको भी ये पता है कि हर सांस में गुरुजी का शुक्राना करो, वो भी कम है, वो भी कम है। हमारे गुरु इतने महान हैं। आप सत्संग सुनिए संगत जी, जो नई संगत जुड़ी है, कितने सारे सत्संग आजकल बिल्कुल आम डिजिटली एकदम आपके सामने ही हैं, बस आप सुनना चाहते हैं तो गुरु जी आपके सामने वो पेश कर देंगे जो आपको सुनना चाहिए। तो वो जब आपके सामने पेश हो जाएगा, आप सुनिए कितने सारे सत्संग हैं, पुरानी संगतों के सत्संग हैं, नई संगतों के, जिनमें मिरेकल्स बोल सकते हैं, क्योंकि और हमारे पास इससे अच्छा शब्द नहीं है, इसलिए हम मिरेकल बोलते हैं, कि इतना अनहोनी से होनी हो गई है, जो जो बिल्कुल सोचा नहीं था वैसे मौके गुरुजी सामने ला देते हैं, एक एक दुखिया को खुश कर देते हैं, एक मरे हुए इंसान को जगा देते हैं, उठा देते हैं, जीवित कर देते हैं। हॉस्पिटल में इंसान जिसको डिक्लेयर डेड किया जाता है, वो गुरुजी के जल प्रसाद से या गुरुजी का नाम लेने से ही वो उठ खड़ा होता है, अगर उसका टाइम अगर गुरुजी एक्सटेंड कर देते हैं तो। ये तो गुरुजी की महिमा है, हमारे गुरुजी बहुत बड़े हैं, उनके अगर हम ये कहें कि हम अपने गुरुजी को पहचानते हैं, क्योंकि मैं गुरुजी की महिमा गा रही हूँ हर हफ्ते, ऑलमोस्ट मुझे मौका मिलता है तो मैं गुरुजी की महिमा गाना जानती हूँ, मैं गुरुजी को जानती हूँ, मैं गुरुजी की मर्यादा जानती हूँ, तो ये सरासर झूठ होगा, कोई भी नहीं, चाहे पुरानी संगत है, चाहे न्यू संगत है, चाहे कोई भी कितनी भी क्लोज संगत क्यों ना हो गुरुजी के, कोई गुरुजी का अंत नहीं जानता, कोई गुरुजी के लिमिट्स नहीं जान सकता, कोई गुरुजी को पूरी तरह से नहीं समझ सकता, ये तो बात तय है, क्योंकि इंसानी जो हम इंसानी चोला लेके आए हैं, हमारी समझ बूझ लिमिटेड है, और हम वही समझते हैं चाहे हम जितने मर्जी अक्लमंद हो जाएं, जो हमें थोड़ा सा समझ में आ जाता है, लेकिन गुरुजी अनंत हैं, अनंत हैं, उनके कोई लिमिट्स नहीं हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। गुरुजी ने अपने मुंह से ही तो कहा है कि मैं चाहूँ तो बारिश कर देता हूँ, है ना, जो ले बारिश कर दी, इतने दिनों से नहीं आ, जहाँ से पानी नहीं निकल रहा होता वहाँ से गुरुजी पानी निकाल देते हैं, सूर्य भी गुरुजी को नमस्कार करके उगता है। तो ये सब बातें जो हैं हमें इग्नोर नहीं करनी है, ये सच बातें हैं, क्योंकि गुरुजी की बातें इससे भी महान, इससे भी बहुत बड़ी हैं। गुरुजी अनंत हैं, महाशिव हैं, ये हमारे गुरुजी हैं, और इनकी महिमा हमें हमेशा गानी चाहिए, चाहे हम संगत में बैठे हैं या नहीं। अपनी फैमिली में गाइए, अपने बच्चे को बोलिए गुरुजी क्या कर सकते हैं, अपने हस्बैंड को बोलिए, अपने अंकल को, अंकल अपनी वाइफ को बोलिए, तो गुरुजी की महिमा गाइए, बहुत ज़रूरी है। गुरुजी की जितनी महिमा गाएंगे उतने ही महिमा गाने का मौका मिलेगा, और गुरुजी उतनी ब्लेसिंग्स देते हैं,
और गुरु जी किस फॉर्म में किसके कितने कर्म कटा रहे हैं कुछ पता नहीं चलता। ये गुरु जी के यूनिक ब्लेसिंग्स हैं। तो गुरु जी के सत्संग अटेंड करना, गुरु जी का कहे हुए वचन उस पर अमल करके उस पर चलना, गुरु जी को याद रखना प्यार से, और गुरु जी का नाम लेना, गुरु जी की महिमा गुणगान गाना, गुरु जी से माफ़ी मांगना, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है करना। गुरु जी ने महामंत्र दिया है संगत जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, इसे नहीं भूलना है। ये गुरु जी ने खुद ही महामंत्र हमें दिया है। तो सिमरन करते रहिए, जिस जिस रिलीजन से हम बिलोंग करते हैं उस रिलीजन में जो भी मंत्र होते हैं, जैसे वाहेगुरु हो गया, ओम नमः शिवाय, जो भी अपने गॉड इज़ ग्रेट, अल्लाह अकबर, जो जैसे जिसके रिलीजन में जो भी शब्द है, जो उस मालिक की प्रेजेस गाता है, जो उस मालिक को बहुत ऊंचा दिखाता है, वो वाले शब्द हम का सिमरन हम ज़रूर करें, बहुत ज़रूरी है। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है संगत जी कि गुरु जी को याद तो हम रखेंगे, लेकिन जब हम सिमरन करना शुरू करते हैं ना वाहेगुरु का, या किसी भी जो हमें जो शब्द हमें सिखाया गया है हमारे खुद के रिलीजन में, तो गुरु जी बहुत खुश होते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो बहुत सारे सत्संग्स हैं इसमें, और आस्ते आस्ते आपको जब गुरु जी की आज्ञा रहेगी वो सारे सत्संग आपके सामने आएंगे। लेकिन सिमरन करना बहुत ज़रूरी है। गुरु जी ने जो रास्ता दिखाया है, सेवा, सिमरन, शुक्राना और सत्संग, ये चार चीज़ों का, तो हम तीनों करते हैं। हम सत्संग में जाते हैं, हम सेवा भी करना चाहते हैं, सेवा करते हैं, हम शुक्राना भी शायद गुरु जी का करते हैं, लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं, वो है सिमरन। बहुत ज़रूरी है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पे अगर आप जाना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, पक्की बात है कि अगर आप सिमरन करते हैं तो गुरु जी ज़रूर खुश होते हैं, और किसी ना किसी फॉर्म में वो ब्लेसिंग आप तक पहुँचेगी, गुरु जी आपको जताएंगे कि वो आपसे खुश हैं। सो बस इतना ही शायद मालिक चाह रहे हैं कि सत्संग हो आज का, और गुरु जी के गुणगान करना मत भूलिएगा। सब करते रहिए, हमेशा करते रहिए। और थैंक यू सो मच जिन्होंने भी इतने सारे चैनल्स खोले हैं, सुनील अंकल थैंक यू सो मच, एंड सब ने जो चैनल्स खोले हैं, ये एक ज़रिया है गुरुजी की महिमा के गुणगान करके, गुरुजी के वर्ड्स को आगे बढ़ाने के लिए और गुरुजी की संगत बढ़ाने के लिए। सो संगत बढ़ाइए, अपने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो संगत से शेयर करिए। तो गुरुजी की संगत जोड़ो, जितना जोड़ोगे उतने लोगों को लाभ पहुँचेगा कि गुरुजी की महिमा के का सहारा पहुँचेगा। और बहुत ज़रूरी है ये कलयुग में, आजकल जब बुरा टाइम चल रहा है, वक्त भी बुरा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि गुरु जी की महिमा, गुरु जी का नाम, गुरु जी की लौ, गुरु जी का दिया हर घर घर में जले। सो शुक्राना संगत जी, शुक्राना फॉर जॉइनिंग, एंड शुक्राना प्यारे 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 गुरु जी का ये मौका देने के लिए, हमारा सत्संग करवाने के लिए। सत्संग थैंक यू सो मच, शुक्राना।